प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हम सुन रहे हैं आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्विवार्षिक जयंती समारोह में हम यहां एकत्र हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उस महापुरुष को कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रदेशवासियों को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आज से दो दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। मैं अग्रिम महाशिवरात्रि के पर्व के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज मेरे सामने प्रदेश भर से आचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के अलावा आर्य समाज के बहुत से विद्वान, अनेक विभूतियां उपस्थित हैं। इनके चेहरों की आभा, इनके आंखों की चमक, इनके मन का उत्साह, ये सब देखते बनता है। और निश्चित रूप से आज उज्जवल भारत के भविष्य की ओर जिस प्रकार की सोच स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने की थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक नए आत्मविश्वास और आशा से भरपूर हैं। हम उनके इस कार्य को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। आज से युवा भारत, युवा बोध, ये जो अभियान लिया जा रहा है, जिसका अभी उल्लेख हुआ है, जिसकी हमने शपथ ली है, सात लक्ष्य रखे हैं: विकसित भारत, गुलामी के एहसास से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता, एकता और एकजुटता, नशे से दूरी और पर्यावरण संरक्षण। सात लक्ष्य तो हमने शपथ ली है। लगातार इसके लिए हमको कार्यक्रम करके और इस लक्ष्य को पूरा करना होगा। और मैं सर जो एक पत्रक दिया गया है, इसमें उल्लेख किया है, उस कुल 62 कार्यक्रम, 62 प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन हम लोगों को लगातार ये करते रहना है। ये जो 200 वर्षीय जो उनकी जयंती का दिन है, इस कार्यक्रम को भी 2 वर्ष तक लगातार आगे चलाए रखना है। और ये 2 वर्ष का कार्यक्रम का जो प्रारंभ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पूर्व 12 फरवरी को ही उसका कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिस दिन उनकी जयंती का दिन होता है। उस विषय पर मुझे लगता है कि मैं समझता हूं कि आदरणीय राज्यपाल महोदय, क्योंकि वो स्वयं भी उसमें उपस्थित शायद थे, तो उसका वर्णन उसी प्रकार से करेंगे। समाज में शिक्षा का सबको अधिकार है। जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। और छुआछूत और पाखंड के खिलाफ भी उन्होंने उस समय आंदोलन किया और वो ये कहा करते थे कि हमको एक बड़े मन के साथ, समर्पण भाव से, एक उदार चित्र के साथ काम करना चाहिए। उनका हमेशा कहना था कि धन वह वस्तु है जो ईमानदारी और न्याय से कमाई जाती है, इसका विपरीत है अधर्म का खजाना। यह एक प्रकार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी उन्होंने अभियान लिया था। आज भ्रष्टाचार भी स्वतंत्र भारत होने के बाद भी उससे लड़ाई अभी बाकी है। हमारे अपने समाज में जो भी इस प्रकार का काम करने वाले, जो सामान्य समाज है उसका शोषण करने वाले कुछ लोग जो होते हैं, उनके खिलाफ एक आवाज उठाने का काम, उस प्रकार की सरकारी व्यवस्था बनाने का काम ये हमारा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा में तो इस व्यवस्था के ऊपर बहुत चोट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है किस प्रकार से उसको जड़ से समाप्त किया जाए। बहुत लोग काम कर रहे हैं। जहां तक महिला शिक्षा की बात है, कन्या गुरुकुलों की उन्होंने स्थापना की। आज भी हम महिला शिक्षा के ऊपर जो हमारा आह्वान है, यहां 20 किलोमीटर के अंदर एक महिलाओं का कॉलेज ये जरूर होना चाहिए। महिला नहीं हो तो कोएड भी अगर होगा तो भी महिलाओं के समुचित पढ़ने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। हमने अपने आने के बाद कुल 72 कॉलेज, नए कॉलेज खोले हैं, जिसमें 31 केवल लड़कियों के हैं। इतनी बड़ी मात्रा में केवल लड़कियों के कॉलेज ये पहले कभी नहीं खोले गए थे। हमने तो महिलाओं का
जो उनका जो भागीदारी है, उनका कैसे अधिकार उसके कैसे बढ़ाया जाए। अभी पीछे पंचायतों की जब बात आई तो हमने पंचायत चुनाव में 50% सीटों पर महिलाएं लड़ना ये अनिवार्य किया है, महिलाओं की भागीदारी ये सुनिश्चित की है। पुलिस में भी महिलाओं की संख्या कैसे आगे बढ़े, हम जब आए थे तो 6% रेशियो महिलाओं की उस समय थी, आज 9% हो गई है। हमारा टारगेट महिलाओं की संख्या पुलिस में 15% करने का है कि हम इस विषय को कैसे आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार से बेटी बहनों का सम्मान बढ़े, उनकी सुरक्षा बढ़े, ये लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारा जो युवा है, युवा शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा देश दुनिया के अन्य देशों की बजाय अधिक युवा देश है। ऐसा माना जाता है कि 35 वर्ष से कम आयु की जो जनसंख्या हमारी है वो 65% है, 65% लोग हमारे 35 वर्ष से भी कम है। इसका मतलब ये देश युवा है। इस युवा शक्ति को हमको आह्वान करना है, जैसे आज के इस अभियान में हमने जो ये संकल्प लिया है युवा शक्ति युवा बोध, इस नाते से ये जो कार्यक्रम लेने जा रहे हैं आगे, तो हम इसके माध्यम से युवाओं को देश की एक ऐसी ताकत जो देश को भविष्य में दुनिया के अंदर विश्व गुरु का जो स्थान है दोबारा दिला सके। हर प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो संस्कार है, चाहे कौशल विकास की बात है अथवा खेलों की बात है, युवाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं के रोजगार इसकी चिंता करना। उस रोजगार में सब लोग सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, तो उसके अंदर उनकी कौशल के आधार के ऊपर प्राइवेट नौकरी है अथवा स्वरोजगार की योजना है, अपना रोजगार करके वो केवल जॉब सीकर न रहे बल्कि जॉब गिवर के नाते से आ गया है। इस नाते से कितनी योजना है, चाहे स्टैंडअप योजना है, स्टार्टअप योजना है, मुद्रा स्कीम है, कितनी स्कीमें प्रधानमंत्री जी ने हमारे सपने दी है जिसको लेकर के हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। शिक्षा में भी नई राष्ट्रीय शिक्षित यानी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2030 तक लागू करने की बात आह्वान किया गया था, हमने हरियाणा में तय किया है। हमारे जितने वाइस चांसलर हैं उन्होंने सबने आह्वान किया है कि हम अपने हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 के बजाय 2025 तक पूरा कर देंगे ताकि हम अपने युवकों को और ठीक से दिशा दे सकें। मित्रों, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे यहां महापुरुषों की बड़ी श्रृंखला है। अब ये काम हालांकि सरकारें ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, संस्थाएं ध्यान देती थी, सरकारी तो केवल व्यवस्था में कहीं चले जाते थे और जाकर के महापुरुष का गुणगान करना, कुछ 11-21 लाख रुपए दे आना, इतने मात्र कहीं काम चलता था। हमने आने के बाद संत महापुरुष विचार प्रसार योजना और सम्मान योजना ये बनाई, जितने महापुरुष है सबकी जयंतियां ये सरकारी तौर पर मनाने की बात की, चाहे उसमें महर्षि चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे उसमें स्वामी दयानंद जी की बात है, चाहे उसमें गुरु नानक देव जी की बात है, चाहे हमने रविदास जी की बात की है, चाहे हमने कबीर जी की बात की है, चाहे वेदव्यास जी की बात की है, कि जयंतियां बड़े छोटे लेवल पर सरकारी ओर से मनाई जाए। पिछले 2 साल के अंदर ये कार्यक्रम हमने किए हैं ताकि जनता में महापुरुषों का जो एक स्वरूप है, उनका विचार है, वो रखा जा सके। बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने यहां जो चेयर स्थापित की हुई है महापुरुषों के नाम से, हमने उनको भी कहा है कि उन पर काम करना चाहिए। किसी भी महापुरुष की चेयर स्थापित करने का मतलब उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, क्या प्रेरणा की बातें हैं, इसके ऊपर एक अध्ययन करके उसमें कोई भी जो रिसर्च करनी हो करें और उस चेयर को 3 साल में 5 साल में उस बात को पूरा करके और जनता को उसके उनके विचारों के बारे में यानी एक स्पष्टता हो जाए, वो ज्ञान देना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि हमारी जनता भी महापुरुषों के बताए मार्ग पर आगे बढ़े, अपने जीवन को भी स्वस्थ करें, समाज को भी स्वच्छता से आगे जीवन जीने की प्रेरणा मिले और देश और प्रदेश इनको कैसे आगे बढ़ा सके, इन सब बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर पुनः महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति महोदय और इस परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं।